ब्रांड हर एक कोई चाहता है कि एक्सेल में काम करते वक्त अपना स्पीड ज्यादा हो। अपना स्पीड बढ़ाने के बारे में आप भी सोच रहे होंगे। तो एक्सेल में काम करते वक्त स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट का इस्तेमाल करें और कम से कम आप माउस का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा आप माउस का इस्तेमाल करेंगे उतना आपका स्पीड कम होगा, और जितना ज्यादा आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे उतना आपका स्पीड ज्यादा होगा। तो बहुत सारे शॉर्टकट है जिनको आप सीख सकते हैं, लेकिन ये जो शॉर्टकट है वो अल्ट के शॉर्टकट है। मतलब जब भी आप अल्ट दबाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एच दबाएंगे तो होम पे जाएंगे, डबल एफ दबाएंगे तो हम फॉन्ट चेंज कर पाएंगे। इस तरह से जो अल्ट के फंक्शन होते हैं जो आप इजी तरह से सीख सकते हैं, मतलब उसको सीखने के लिए आपको कहाँ यूट्यूब पे या और कहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अल्ट दबाएंगे तो आपको यहाँ पर वो डायरेक्शन दे दिया जाएगा। आपको इंसर्ट में जाना है तो एन प्रेस करना है। इस तरह से आप अल्ट के फंक्शन सीख कर एक्सेल में आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है, मैंने ये टॉप 20 फंक्शन जिनको मैं यूज करता हूँ उनको यहाँ पर लिखा है और उनको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम होती है रीनेम शीट करने में। मान लीजिए ये शीट है, इसको मुझे रीनेम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम शीट जाएंगे। इसमें माउस का इस्तेमाल होता है और जहाँ भी माउस का इस्तेमाल होता है वहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो सिंपली हम अगर जाएंगे तो अल्ट एच ओ आर, अल्ट एच ओ आर, देखिए रीनेम शीट का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप कुछ भी रीनेम कर सकते हैं और सिंपली इंटर प्रेस करके शीट रीनेम हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप शीट को रीनेम करना है तो ये अल्ट एच ओ आर का फंक्शन जरूर यूज कीजिए, ओके। उसके बाद हमारा है वो रॉ हाइट। जब भी हम रॉ हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हम रॉ हाइट सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और यहाँ पे रॉ हाइट इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो हमारे पास ये सिंपली अल्ट का फंक्शन है, अल्ट एच ओ एच। देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ अल्ट एच ओ एच, यहाँ पर रॉ हाइट कितनी चाहिए वो आ गया। मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ और जैसे मैं इंटर करूंगा रो की हाइट उतनी हो जाएगी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको रो की हाइट चेंज करनी है तो आप अल्ट एच ओ एच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जब भी हम कभी भी कहाँ पर काम कर रहे होते तो कई कई बार ऐसे कॉलम की विड्थ फिट नहीं होती है, मतलब वो कम होती है या ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा है देखिए। तो अगर हम इसको फिट करना चाहते तो हम इस अल्ट एच ओ आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे अल्ट एच ओ आई, देखिए ऑटो फिट हो गई, जितनी कॉलम की साइज हमें चाहिए उतनी फिट हो गई है। उसके बाद हमारा जो अल्ट का फंक्शन है वो है मूव और कॉपी शीट, अल्ट एच ओ एम। देखिए यहाँ पर जो शीट होती है इनको अगर फर्स्ट में लाना है तो हम इस तरह से मूव करते हैं और इसमें माउस का इस्तेमाल होता है, और माउस का इस्तेमाल होता है मतलब हमें ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम करना पड़ता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप इस शीट को मूव करना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं अल्ट एच ओ एम, अल्ट एच ओ एम। इस तरह से फिर आपके पास आ गया, आप कहां पे मूव करना चाहते, एंड में मूव करना चाहते हैं, इसके पहले मूव करना चाहते हैं, अगर एंड में मूव करना चाहते इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट में मूव करना चाहते इस तरह से कर सकते हैं। मतलब आप इस शीट को या से वहां मूव और कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अल्ट का फंक्शन है वो अल्ट एच ओ टी, जो हमारा टैब कलर है, देखिए यहाँ पर रेड कलर है, ओके। इस तरह टैब का कलर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर टैब कलर, उसकी जगह आप अल्ट एच ओ टी, अल्ट एच ओ टी जैसे ही टैप करेंगे आपके पास टैब का कलर आ जाएगा। यहाँ पर टैब के कलर को सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर लग चुका है। तो नेक्स्ट टाइम आप इसका यूज जरूर कीजिए। उसके बाद जो है वो है कॉलम विड्थ। देखिए ये जो कॉलम की विड्थ होती है इसको अगर आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर बार इस तरह से करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ, ओके। तो उसकी जगह आप अल्ट एच ओ डब्ल्यू, अल्ट एच ओ डब्ल्यू इसका इस्तेमाल करके आप कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद जो है हमारा कॉमा स्टाइल, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर है,
ये नंबर देखिए, ये छोटा नंबर है तो 270 आप इसको पढ़ सकते हैं, 270, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसको पढ़ने में आपको तकलीफ होती है। तो यहाँ पर अगर आप कॉमा लगाते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमा होता है, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह कॉमा लगा हुआ है, तो नंबर को पढ़ने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये कॉमा लगाने का जो तकनीक है, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, अल्ट ओम के, अल्ट एच के। देखिए यहाँ पर कॉमा लग चुका है, इस तरह से आप नंबर को कॉमा लगाकर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अल्ट का फंक्शन है वो है सेंटर टेक्स्ट। देखिए अभी ये सेंटर में, लेकिन कभी कभी हमारे टेक्स्ट इस तरह से होते हैं और हमें अगर इनको सेंटर में लेके आना है तो हम क्या करते हैं, पूरा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं। तो इसमें माउस का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ये Alt+Esc इसका इस्तेमाल करके सेंटर में ला सकते हैं, मतलब जो हमारे टेक्स्ट है उनको सेंटर में ला सकते हैं। उसके बाद जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो है फॉन्ट। अगर मान लीजिए आपको इसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है, आपको रॉकवेल करनी है या फिर एरियल करनी है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर जल्दी से करना है तो आप Alt+HFF इस तरह से फॉन्ट आ जाएंगे, फिर आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब फॉन्ट की जो फॉन्ट है, ये जो टाइप है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। Alt+HFF। उसके बाद जो हमारा है वो है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाते हैं और इस तरह से हम चेंज करते हैं, तो उसकी जगह पे आप Alt+HFS इसको चेंज करके आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट टाइम आप जब फॉन्ट की साइज चेंज करनी है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब क्या, मान लीजिए हमारा ये नेम है, नेम ऑफ इस तरह लिखा हुआ है, तो ये पूरे कॉलम में नहीं बैठेगा। इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और रैप टेक्स्ट इस तरह से करते हैं। इसके इस्तेमाल से जो आधी वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। ओके, तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट करने के लिए Alt+HW इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Alt+HW, जैसे आप Alt+HW प्रेस करेंगे वो रैप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा है वो मर्ज एंड सेंटर, इसका ज्यादातर बार इस्तेमाल होता है। देखिए कभी कभी ये जो हमारा हेडिंग है वो एक ही कॉलम में होता है, एक ही सेल में होता है, और आपको पूरे सेल के लिए वो हेडिंग चाहिए होता है, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर में जाते हैं। ओके, तो इसके लिए आप Alt+HM, Alt+HMC, अल्ट होम मर्ज एंड सेंटर, Alt+HMC इसका इस्तेमाल करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मर्ज एंड सेंटर जब आप करेंगे तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अभी ये जो फंक्शन है वो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन आप इसको यूज करेंगे ना, तो बाद में आप दूसरे दिन आपका हाथ इस तरह बैठ जाएगा कि आप हर एक काम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। उसके बाद है शॉर्ट A to Z। जब भी देखिए इस तरह से नाम है। ओके, इसमें मैं और कुछ जोड़ देता हूँ। इसको अगर शॉर्ट एंड फिल्टर करना है, मतलब A to Z करना है, तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाके शॉर्ट A to Z करते हैं। उसके जगह पर हम अगर Alt+HSS इसको यूज करेंगे, Alt+HSS, देखिए शॉर्ट एंड A to Z हो जाएगा हमारा। ओके, वापस हम Alt+HSS। ओके, तो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं इनको। उसके बाद है ऑल बॉर्डर। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई वैल्यू इंटर की है और उसको आपको पूरे बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाते हैं और ऑल बॉर्डर इस तरह से करते हैं। उसकी जगह पर हम Alt+HBA इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+HBA।
एक बार आपका हाथ बैठ गया इसमें तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ओके, तो हर जगह पे बॉर्डर लगानी है, ऑल बॉर्डर लगानी है, तो अल्ट एच बी ए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा थिक बॉर्डर। ओके, जब आपको समझो ये हेडिंग है, इसको थिक बॉर्डर लगानी है, तो हम यहाँ पर जाते हैं और थिक बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर इसको टाइप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह सिलेक्ट करके अल्ट एच बी टी, अल्ट एच बी टी इसका इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पर थिक बॉर्डर लगा सकते हैं इस पूरे, अल्ट एच बी टी देखिए थिक बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद जो है हमारा फिल्टर, हम फिल्टर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बार यूज़ करते हैं वो है हम सिलेक्ट करते हैं, डाटा में जाते हैं और फिल्टर लगाते हैं। तो आप अल्ट ए टी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट ए टी देखिए यहाँ पर फिल्टर लग चुके हैं। और जब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप फिल्टर लगेंगे तो पूरा जो आपका जितना भी फाइल है उस एंड तक उसको सिलेक्ट कीजिए और तभी आप अल्ट ए टी इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना आपका फिल्टर है वो कहीं भी ऊपर नीचे लग सकता है। उसके बाद जो है वो हमारा रिमूव डुप्लीकेट। बहुत से बार हम ऐसे फाइल में काम कर रहे होते हैं जहाँ बहुत सारे डुप्लीकेट होते हैं, नेम में डुप्लीकेट होते हैं या फिर अमाउंट में डुप्लीकेट होते हैं या फिर और जगह बहुत डुप्लीकेट होते हैं। मान लीजिए हमारा सोमनाथ यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो अगर डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं और रिमूव डुप्लीकेट इसको करते हैं। उसकी जगह पर आप अल्ट ए एम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए अल्ट ए एम इस तरह का बॉक्स आ गया, टैप टैप ओके पे आ गए, टू डुप्लीकेट है उनको मैं रिमूव कर चुका हूँ और फोर्थ जो है वो यूनिक वैल्यू है। ओके, इस तरह से आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर बार हम यूज़ करते हैं वो है प्रिंस पेंस। प्रिंस पेंस क्या होता है, देखिए अभी मैं ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन हेडिंग जो है वो हमेशा यहाँ पर रहती है। देखिए मैं प्रिंस पेंस हटाता हूँ, देखिए फिर हेडिंग हमारे साथ नहीं रहेगी। अगर हेडिंग आप हमेशा के लिए आपके साथ जाते हैं और ऊपर का ये जो नीचे की अमाउंट है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको क्या करना है, हम प्रिंस पेंस लगाते हैं, मतलब हम इस तरह सिलेक्ट करते हैं, व्यू में जाते हैं और प्रिंस पेंस लगाते हैं। तो उसके लिए आप ये जो अल्ट डब्ल्यू एफ एफ इसको यूज कर सकते हैं, अल्ट डब्ल्यू एफ एफ इसको यूज करेंगे तो हमारा प्रिंस पेंस लग जाएगा, आपकी जो हेडिंग है वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगी। उसके बाद जो हमारा है वो टेबल, हम ज्यादातर बार टेबल को यूज करते हैं। ओके, मान लीजिए एक दो एक की सीट में हमें दो तीन बार फिल्टर लगाना है तो हम टेबल को यूज करते हैं। तो टेबल को यूज करते हम क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अल्ट एन टी, क्योंकि इंसर्ट में टेबल हो जाए, अल्ट एन टी सॉरी अल्ट एन टी यहाँ पर बता रहा हूँ कि जहाँ पर फिल्टर लगा है उसके हम टेबल नहीं लगा सकते, इसके लिए मैं पहले इसकी फिल्टर हटा देता हूँ। ये फिल्टर हटा दिया, अभी मैं इसको टेबल लगा देता हूँ, अल्ट ए सॉरी अल्ट एन टी देखिए यहाँ पर टेबल लग चुका है। इस तरह से आप टेबल भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं वो है पिवट टेबल। हम जब किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या बड़े डेटा में काम कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं पिवट टेबल, इसका बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो पिवट टेबल यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं, पिवट में जाते हैं और पिवट टेबल। इसके वजह आप मान लीजिए इस शीट को मुझे पिवट टेबल लगाना है तो आप पूरे शीट को सिलेक्ट करके पूरा जो आपका टेबल है उसको सिलेक्ट करके अल्ट एन वी टी, अभी मैं 2000 जो एक्सेल है वो मेरा वर्जन है 2010, अगर आप 2013 के बाद का यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अल्ट एन वी टाइप करना पड़ेगा। अभी मेरे पास 2010 है तो अल्ट एन वी टी मैं टाइप करता हूँ, अल्ट एन वी टी, अब जैसे मैं टाइप करूंगा देखिए पिवट टेबल आ चुका है। इस तरह से आप पिवट टेबल भी यूज कर सकते हैं। दूसरे मैं जो बीस्ट मोस्टली यूज करता हूँ वो मैंने शॉर्टकट बताया, लेकिन अल्ट में बहुत सारे शॉर्टकट है जिसको आप अल्ट दबाएंगे और आपको जहाँ भी जाना है वो अगर आपको डायरेक्शन देता रहेगा, उस तरह से आप यूज करके अल्ट के फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और इस शॉर्टकट अल्ट के शॉर्टकट ऐसे कि जिनको यूज करके आप अपना जो काम है वो जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड,
आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।